वेलकम बैक टू माय चैनल टेग्राफर। सो गैस, अगर आपको सैमसंग का कोई मिड रेंज स्मार्टफोन है या फिर कोई हाई एंड स्मार्टफोन है, तो गैस इसमें आपको जो स्क्रीन कैप्चर का जो फीचर है उसको और थोड़ा अपडेट किया गया है। एंड गैस उसमें 5 बहुत ही मेजर चेंजेस आया है, तो बस इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए गैस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गैस सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ। सो गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एडिट का जो ऑप्शन है इसमें आपको कुछ इस टाइप का लेआउट मिलता है। सबसे पहले क्या था कि यहाँ पर आपको 5 लेआउट मिलता था, लेकिन अभी यहाँ पर 3 लेआउट मिल रहा है। एंड जैसे आप इसमें क्लिक करोगे आप देख सकते हो कि बहुत सारे यहाँ पर जो लेआउट है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। गैस यहाँ पर जो पिक्चर आप देख पा रहे वो स्क्रीन कैप्चर पहले वर्षन का था, एंड अभी यहाँ पर जो आप देख पा रहे वो अपडेटेड वर्षन ऑफ स्क्रीन कैप्चर है। सो गैस यहाँ पर आप थोड़ा सा तुलना कर सकते हो। सो गैस सबसे पहले जो नंबर 1 चेंज है वो इसका पेन सिलेक्शन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आपको 7 यहाँ पर पेन आपको देखने मिलता है। जो 7वां जो पेन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो है मोजाइक। यानी अगर आप चाहते हो कि कोई भी पार्ट ऑफ पिक्चर थोड़ा सा ब्लर रहे तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। कैसे मैं आपको दिखा, सपोज ये जो मोंडे है, अगर आप चाहते हो कि मोंडे को ब्लर करे, तो कैसे यहाँ पर आप ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आप सपोज इसको आप कर दिए एंड ब्लर का ऑप्शन थोड़ा सा ज़्यादा कर दिए। सो गैस इसको कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ब्लर कर सकते हो। सो गैस सबसे पहला चेंजेस ये था। एंड गैस इसका जो ऑप्शन है कि कैसे आप ब्लर कर सकते हो वो 3 प्रकार का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एक ये वाला है एंड तीसरा इस टाइप का है। सो कुछ 3 यहाँ पर टाइप्स का ब्लर कर सकते हो। तो सबसे पहला जो चेंजेस है वो ये है। सेकेंड जो चेंज है यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऊपर की तरफ एक फेवरेट का आपको बटन दिया गया है। यानी अगर आप ब्लर को इसी साइज में एंड इसी ब्लर टाइप्स में अगर आप सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन पहले के वर्जन पे जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो वो उस समय नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पर चेंजेस किया गया। सो ये रहा सेकंड। जो थर्ड चेंजेस है वो आप देख सकते हो कि जो साइज़ है पेन का, जो साइज़ है उस साइज़ में थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस किया गया है। जो पहला जो पेन का साइज़ था, जैसे कि आप यहाँ पर इस राइट साइड में पिक्चर में देख पा रहे हो, ऊपर की तरफ आपको ये साइज़ आपको देखने को मिलता था, लेकिन अभी यहाँ पर नीचे की तरफ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये था थर्ड चेंजेस। एंड गाइस यहाँ पर जो फोर्थ चेंजेस है वो उसके कलर सिलेक्शन में। आपको कुछ कलर सिलेक्शन आपको कुछ इस टाइप का भी मिला गया है, एंड आप यहाँ पर चाहे तो कोई भी कलर को आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। एंड गाइस जो फाइनल यहाँ पर चेंजेस किया गया है वो है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको पेन का यहाँ पर आइकन मिलता है। जैसे ही आप टैप करेंगे जो सेव किया हुआ पेन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। एंड इसको अगर आप टैप करोगे तो चला भी जाएगा। एंड ऊपर की तरफ जितने भी पेंसिल से उसका किस टाइप का वो काम करता है उस टाइप का एक थोड़ा सा झलक आप यहाँ पर देख सकते हो। सो गाइस ये था कुछ यहाँ पर चेंजेस जो आपको स्क्रीन कैप्चर में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब स्क्रीन कैप्चर अगर आपको पता नहीं है तो गाइस वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्क्रीन कैप्चर, एंड ये जो स्क्रीन कैप्चर है वे आपको गैलेक्सी स्टोर पे मिलेगा, आपको प्ले स्टोर में नहीं, आपको गैलेक्सी स्टोर को मिलेगा यहाँ पर स्क्रीन कैप्चर का ऑप्शन। उसके बाद ये जो फीचर है इसमें अगर आपको अपडेट नहीं किए हो तो गाइस जल्दी से नीचे में आकर आपको अपडेट कर लेना है। एक बार अपडेट करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आप स्क्रीन कैप्चर को यूज़ कर पाएंगे जो नए वर्जन है उसमें। सो चलिए गाइस आई होप कि अगर आप एक सैमसंग यूज़र हो तो गाइस ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो गाइस लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। सो चलिए गाइस मिलते हैं, तब तक गुड बाय एंड स्टे सेफ़।